यही चीजें ली हैं, तो तीन जगहों पे फिरे हैं। ये टाइम देखे क्या हो गया। कैसे आप सब? अभी 6:30 बजे हैं, मैंने आज जाना है, लिस्ट मैंने पूरी बना ली है और ये देख लें, सारी लेडीज की तरह मेरी लिस्ट इस तरह से पेज मैंने एक रजिस्टर रखा हुआ है जिसके ऊपर वीडियोस का भी अपना लिखती हूँ और लिस्ट भी बना ली है चीज़ों की। आज थोड़े अंदरूनी बाजार जाना है, प्लास्टिक की थोड़ी चीज़ें लेनी है और देखती हूँ अल्लाह करे कितनी मैं शॉपिंग कर पाती हूँ। पहले थोड़ा सा काम है, फिर हमजा की तबीयत इतनी है सही, जो रास्ता का छोटा बेटा है ना उसकी, उसको भी पूछने के लिए जाएंगे, बस 2 मिनट ही वहाँ पे रुकेंगे और उसे आज जल्दी करो मेरे बेटे। बर आपको लेके चलती हूँ। और ये मेरा गेटअप होता है मोस्टली जब मैंने बाजार वगैरह जाना हो ना, इस तरह के जहाँ पे शॉपिंग का काम थोड़ा सा ज्यादा हो, तो मैं इस तरह की अबाया पहन लेती हूँ और ऊपर से ना इस तरह सर कवर कर लिया, मतलब ना बार बार चादर आपको ठीक करनी पड़ती है। और पर्स मेरी हमेशा आदत है कि मैं हमेशा इस तरह क्रॉस शोल्डर पहन के ना सामने कर लेती हूँ, ताकि ना राइट हो ना लेफ्ट हो, दोनों आपके हैंड्स फ्री हो, आप इजीली जो है मूव करें और शॉपिंग करें। चलिए जी अब चलते हैं। चलिए जी, अभी 7:00 हो गए हैं, हम अपने काम से भी फारिग हो गए हैं और बच्चों को मैं लेकर आ गई हूँ जनाब ब्रेक टाइम कैफे। यहाँ से बच्चे बर्गर शौक से खाते हैं, आज आई थिंक रैप्स हमने अभी ऑर्डर कर दिए थे रास्ते में आते हुए, ताकि टाइम ना लगे। और ये पीछे एक और बंदा भी है जो शॉपिंग के लिए हमें ज्वाइन कर रहे। किधर जा रहे हो शाम? आपके साथ। मेरे साथ नहीं जा रहा, इसने 3 दिन की ना मरा जीना माँ बेटे का जो है ना वो 2 बार किया हुआ। क्यों जहर नहीं? तो शाम ने सुबह 11 बजे किसे जगाया था? अच्छा हाँ, किस काम के लिए? 11 बजे किसको उठाया? सुबह मॉर्निंग मैं तो 8 बजे 11 बजे बैठता, तो 12 बजे तो भी। और कितने खुश थे सारे हॉस्पिटल में ना अबू, ऐसे था ना जैसे कसम से कोई ईद का दिन। कमरे से बाहर भी चल के नहीं आ रहा था, मैंने कहा तुम्हारे पाँव में किनोला लगा हुआ है, मतलब कमरे से बाहर भी चल के आना। अब उसने इतना करना है ना, स्कूल ना जाना पड़े हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई काम नहीं करना, अच्छा ऐसे बस रख के बैठे रहना। ये टेप है, टेप के ऊपर ही टेप आ रही है, टेप उतर भी चुना यहाँ से, फिर टेप आ रही है, ये उतर भी जाएंगे। समझो बहुत इंजॉय कर। और आपके चाहे 3-4 बच्चे हो ना, सब बच्चों की डिफरेंट अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स जो है ना सबके डिफरेंट होते हैं। शाम जो मेरा सबसे छोटा बेटा है, इसको ना ये वॉचेस बहुत अच्छी लगती हैं, रिस्ट वॉचेस जो हैं, और ये बस होते हुए ही है उतारता है इस, ये और इसके पापा दोनों जो है ना सिर्फ घर में होते हैं लेकिन फिर भी जो है उन्होंने बहुत ज़रूर पहननी होती है। ये दोनों मुझे अच्छी लग रही थी, तो ये दोनों में से चूज़ कर रहा था कि मैं कौन सी लूँ। ये वाली मेरा दिल है कि मैं नासिर के लिए इंशाल्लाह अब आगे जाके लूँगी, तो वो ये ब्लैक वाली शाम को अच्छी लगी थी, पर इसका साइज़ वगैरह उधर ही करवा लिया था, बहुत खुश था। तो ये खुद जॉब करता है माशाल्लाह, अपने जो इसके पास पैसे होना तो उसके ये हमेशा वॉचेज़ और अपनी पसंद की चीज़ें लेता रहता है। ये 29,000 की थी। फिर हम पहुँचे इधर शॉप के ऊपर, यहाँ पर प्लास्टिक की जितना सामान है काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है, तो जो घर की चीज़ें लेने करने वाली थी वो बस फिर ली और फिर टाइम से घर आ गए थे। और अभी टाइम क्या हुआ वैसे? 10:05 हैं लेने में। उसने जनाब घड़ी अपनी अंदर ही रखी हुई है। अच्छा, सिर्फ घड़ी निकाल लिया? हाँ, उसकी काम की घड़ी थी बस। मस्जिद की जी मिले की चल चल सामान निकलवाओ ना भाई के साथ, वो अकेला लगा हुआ है, निकालो उसके साथ। 25,000 के 29,000 नहीं आ रहे तो अच्छी लगी आपको? उफ, इसके पीछे हम पूरा सरगोता फिरे हैं। अब तोड़ ना देना प्लीज कुछ, बड़ी मुश्किल से मैंने ये चीज है। खाना तो याद ही नहीं रहा। टिट्टी आ तू। अब टिट्टी को गुस्सा चढ़ गया उधर। शाम बहुत खुश है, आ जाओ। यही चीजें ली हैं, तो 3 जगहों पे फिरे हैं,
वो कोई नहीं था मिला मुझे बर्तनों वाला, वो मिले कोई नहीं है। मेरा तो दिल था कि नया मिल जाता तो मैं वो रखती, बट अल्लाह का शुक्र है कि ये लॉन्ड्री बास्केट्स और ये वो जो सामान है वो मिल गया। शाम लाइट्स ऑन करो ना, अभी ये टाइम देखे क्या हो गया, 10:10 हो गए हैं। अभी मैं बस खाने का कर लूँ और फिर ना इनको सुबह सेट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। असल में जो चीज़ चाहिए ना कई दफ़ा वो जाओ तो मिलती ही नहीं है। बहरहाल इनको अब सुबह रखूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। टीटू अंडे ला जाओ, अंडे लाओ टीटू। और आप लोगों को कहा था कि आज चीज़ें सेट करके आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन सारा दिन टाइम नहीं मिला। अभी फिर गई थी उज़ैर के साथ, ये वाली कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ, लेकिन मैंने भी ला के रखी हैं यहाँ पे। मैं नासिर को दिखा रही थी और टीटू जो है वो पहले आके बैठ गया, क्योंकि जो मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं ना उनको पता होगा कि जब भी मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ ना तो मेरे टीटू साहब जो है ना वो पहले आके बैठ जाते हैं। बहरहाल कुछ किचन की चीज़ें हैं यकीन करें, सामान वगैरह लिया है। इंशाल्लाह सेट करके ना अब आप लोगों को दिखाऊंगी, बल्कि आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब आप देख लें मैं किन कामों में फंसी हुई हूँ, घर के भी मुझे पता है सारे काम देखने होते हैं। इंशाल्लाह सारा सेट वगैरह करके ना फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।